भारत में पुराने समय से ही संबरानी का धुआं करना अच्छा माना गया है। मंदिरों, सभी धर्म के पूजा स्थलों में धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान संबरानी का धुआं किया जाता है। इससे माहौल शुद्ध पवित्र होता है और पॉजिटिविटी, अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। संबरानी जलाने से मच्छर पतंग भागते हैं और वातावरण के कीटाणु रोगाणु नष्ट होते हैं। संबरानी कप को जलाने के लिए इसके बाहरी गोल किनारे को पूरी तरह से जलाया जाता है और एक मिनट तक जलने देते हैं, फिर बुझा देते हैं। पूजा करने, ध्यान लगाने से पहले संबरानी कप जलाने से इसका सुगंधित धुआं मन को एकाग्र करने में सहायक करता है और विचारों में अस्पष्टता आती है। आध्यात्मिक अभ्यासों में संबरानी की सुगंध से चेतना और आंतरिक जागृति बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि संबरानी जलाने से बुरी शक्तियां भागती हैं और हवा भी शुद्ध हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इसका धुआं नर्वस सिस्टम को शांत करता है, नेगेटिव विचारों को दूर करता है, मन को शांत करता है। संबरानी की खुशबू मूड ठीक करती है और माहौल को सुखद बनाती है। संबरानी कप या संबरानी पाउडर को कोयले पर जलाकर किया गया धुआं एंटीबैक्टीरियल, चिकित्सकीय और रोग निवारक होता है। अरब देशों में औरतें अपने बाल को धोने के बाद बालों में संबरानी का धुआं करती हैं, जिससे बाल में सुगंध बस जाती है। डिलीवरी के बाद बच्चों को संबरानी का धुआं देना अच्छा होता है। रशिया, अरब के देशों, थाईलैंड, वियतनाम, भारत, जापान, चीन सहित लगभग पूरी दुनिया भर में संबरानी की महक को पसंद किया जाता है और लोग संबरानी की अगरबत्ती, एसेंशियल ऑयल, चूर्ण, संबरानी धूप, परफ्यूम आदि प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं।